लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रीवा से 7 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, मैं गांव में पैदा हुआ। हमारे बब्बा शिक्षा विभाग में गवर्नमेंट कर्मचारी थे, पिताजी भी पुलिस में थे। मैं 5वीं तक की पढ़ाई मेरी गांव में ही हुई। 5वीं के बाद पिताजी सागर संभाग में उनकी पुलिस की नौकरी थी, तो उनके साथ मैं पढ़ने चला गया। 6वीं से मैंने बाहर पढ़ाई की। इसके बाद मैंने कुछ नौकरी के लिए, जैसा सभी लोग नौकरी की तलाश में रहते हैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड नौकरी का था, तो मैंने भी नौकरी के लिए प्रयास किया। लेकिन संयोग ऐसा रहा कि नौकरी नहीं मिली। फिर मैंने कुछ प्राइवेट कुछ जगहों में, अच्छी जगहों में मैंने काम किया। इसके बाद मुझे लगा कि गांव में मेरे पास खेती किसानी थी। हमारे बब्बा लगातार जमीन खरीदते थे, पिताजी ने भी जमीनें खरीदी। मेरे पास जमीन जो भी थी उस जमाने में पानी का साधन हमारे यहाँ नहीं हुआ करता था। सरकारी ट्यूबवेल मैं करवाया। मेरे गांव में जो लोग मेरे, हो सकता है मेरे करीब के लोग भी मुझे सुन पा रहे होंगे, हमारे गांव में कई लोगों ने सरकारी ट्यूबवेल के लिए प्रयास किया, लेकिन उन किसी का नहीं हो पाया। मेरा हो गया। मैं हमेशा से ही, शुरू से ही, मुझे लगता है, आज मुझे ध्यान आता है कि मैं शुरू से ही जुझारू। हो सकता है मेरी प्रकृति इस तरह की रही हो कि मैं जिस काम में लग जाता हूँ वो सफल होके ही रहता है। तो वो आज, उस समय मुझे समझ में नहीं आता था, आज समझ में आता है। तो ट्यूबवेल हुआ और इसके बाद मैंने ट्रैक्टर खरीदा। उस जमाने में ट्रैक्टर ये कुछ 84, 85, 86, 87 की बात है। उस जमाने में ट्रैक्टर अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। मतलब जिसकी बारात ट्रैक्टर में चली जाए वो अपना बहुत ठीक ठाक व्यक्ति माना जाता था। तो वो जमाने की बात है। और पूरे इलाके में जिसके यहाँ खेत जोतने जाते थे, समधी का क्या स्वागत होगा, उस समय उस तरह का स्वागत हुआ करता था। आप समझ सकते हैं हमारे इलाके में 85-86 में ट्रैक्टर अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। बहुत अच्छा काम चल रहा था। इसके बाद मैं छोटे भाइयों को अपना सारा कारोबार दे के, मैंने, क्योंकि अब जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि आरवी द्विवेदी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको 15 साल 20 साल आगे का दिखाई देता है। मैंने सोचा मुझे शहर की तरफ कूच करना चाहिए। मैंने और कुछ कुछ और छोटे मोटे काम किए, कुछ गाड़ियों का काम रहा मेरा। इसके बाद मेरा एक सपना था, ये बात जरूर आप लोग ध्यान से इसको जरूर समझिएगा, कि आप जो सपना देखेंगे और दिल से उस सपने को आप महसूस करेंगे वो जरूर पूरा होता है। तो मेरे अंदर एक से एक इच्छा जागृत हुई। मुझे ऐसा लगने लगा कि वो लोग सबसे सुखी हैं जिनके पास दुकान है और अंदर मकान है। मतलब शटर गिरा के फिर अंदर चले जाते हैं या अंदर से चाय उनके पास आ जाती है। मुझे लगता था कि दुनिया का सबसे सुखी इंसान ये व्यक्ति है। बस वही अंदर से कल्पना रही और मैं उसी दिशा में मैंने प्रयास किया। और जो लोग मुझे जानते हैं कि मेरे पास इस तरह की दुकानें हैं कि एक अच्छे से अच्छे व्यक्ति का सपना होता है। शहर के अंदर मेरी जो दुकानें हैं वो ऐसी जगह में है कि किसी को बताओ विश्वास नहीं करता कि ये इतना बड़ा दुकानदार, इस तरह का व्यापारी, इस तरह का व्यक्ति जिसके पास इस तरह की प्रॉपर्टी है, क्या इस तरह भी का व्यक्ति आरसीएम बिजनेस जैसा कोई काम करेगा। लेकिन मेरा बहुत अच्छा सा कारोबार चल रहा था। होटल का व्यवसाय था मेरा, लैंडमार्क था। लोग एड्रेस लिखवाते थे, पवन होटल के पास, पवन होटल के बगल में, पवन होटल के सामने वाली गली में। लोग कार्ड छपाते थे, विजिटिंग कार्ड में लिखवाते थे पवन होटल के नजदीक। लैंडमार्क था मेरा पवन होटल, जिनको पता है मैं बहुत अच्छे तरीके से मेरी जिंदगी कट रही थी। उस जमाने में मेरी जो राजनीति में भी मेरी बहुत अच्छी पैठ थी, और जिस जगह पे मेरा होटल था उस जगह थोड़ा सा वो जगह ठीक नहीं थी। तो मैंने रिवॉल्वर लाइसेंस ही, ऑल इंडिया रिवॉल्वर लाइसेंस लिया। वो जमाने में कुछ और कुछ कुछ हुआ करता था। तो मैं अपने कर्मचारी को बंदूक खरीदवा के लोड बंदूक काउंटर में रखी रहती थी। मैं 24 घंटे रिवॉल्वर पे लैस हुआ करता था। वो जमाना था, लगता था कि मैं खुदा हूँ। मुझे, क्योंकि मेरे रिश्तेदारी और मेरे परिवार और मेरे समाज में जिसके आड़ोस जिनके बीच में हम रहते थे, तो इस तरह के लोग नहीं थे। मुझे लगता था कि मेरे पास बहुत कुछ है। तो निवेदन करना चाहता हूँ, उसी बीच में मेरा बहुत अच्छा कारोबार होटल का चल रहा था। बहुत अच्छी इनकम आ रही थी। जिस जगह पे होटल था, केवल एक ही होटल हुआ करता था। लोग कहते थे कि उस होटल में आके नाश्ता करना लोगों का एक सपना हुआ करता था।
200 गांव के लोग आते थे। रामबोल त्रिपाठी जी हमारे सामने हैं, वो देख पा रहे हैं और उनको पता है बहुत अच्छे तरीके से जो साथी है हमारे बीच में। इसी बीच में हमारे एक रिश्तेदार ने एक मेरे पास आके उन्होंने कहा कि जी मौसिया जी, दरअसल उनके पिताजी अमेरिका में डॉक्टर थे और वो कुछ नहीं किया करते थे, उनके मेरे नजरों में उनका सम्मान बहुत अच्छा नहीं हुआ करता था, वो कुछ ना कुछ करते रहते थे, तो मेरे नजरों में ये होता था कि अरे ये ऐसे ही है। वो चाय लेके आए, बोले आधा किलो चाय की पत्ती है, चाय बहुत अच्छी है देख लीजिए। तो हमने कहा तुम चाय बेचने लगे, तुम्हारे पिताजी अमेरिका में डॉक्टर है, तुम नाक कटा लिए, तुम चाय बेचना शुरू कर दिए। क्योंकि हमें अक्सर चाय वाले आया करते थे, क्योंकि हमारा होटल का कारोबार बड़ा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत अच्छी चाय है। हमारे चाय वाले को उसको समझाने का प्रयास किया, फिर चाय मुझे पसंद आ गई, चूंकि बातें बहुत लंबी है इसके बीच में, समय की लिमिटेशन है, नहीं तो कमलेश्वर राय की घंटी बज जाएगी तो बीच में रुकना पड़ेगा, इसलिए मैं अपनी 60 में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। वो कहानी खैर बहुत बड़ी है और मुझे लगता है कि बहुत प्रभावी है, पर किसी दिन जब पूरा मौका मिलेगा तो मैं उस कहानी को बताऊंगा। वो चाय की पत्ती जबरदस्ती दे के चले गए, मैंने पैसा दिया, जब मेरा कर्मचारी चाय बनाया तो बोले बाबूजी ये चाय कम लगती है, इसकी क्वालिटी अच्छी है। तो हमने काउंटर में, हम कैश काउंटर में पैसा हम नहीं काटा करते थे, कैश काउंटर में मैनेजर पैसा काटता था। मैंने कभी कैश काउंटर में ना कहिए घंटे दो घंटे के लिए, उस समय भी मैं भी मुझे लगता था कि ये होटल भी मेरे, मैं बहुत संतुष्ट नहीं था, मेरे पास और दुकानें थी, मैं जेपी सीमेंट की एजेंसी ले लिया था, लोहे का बड़ा कारोबार बस करने वाला था। अगर मेरे पास RCM का साल और नहीं आता तो मैं लोहा सरिया, लोहा छड़ सीमेंट का मेरा बड़ा कारोबार होता, मेरी बड़ी प्लानिंग हो चुकी थी। कुछ एजेंसी वगैरह हम ढूंढा करते थे मेरे पास, क्योंकि मैं हमेशा से संतुष्ट नहीं रहा, मैं बहुत अच्छा हो रहा था। तो वो चाय की पत्ती जब खत्म हुई, अच्छी थी, तो उन्होंने कहा फोन करके कि 5 किलो भिजवा दीजिए। बस 5 किलो चाय की पत्ती मंगवाना क्या हुआ, वो व्यक्ति मेरे पास आए और वो बताने लगे मौसिया जी बहुत अच्छा है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और मुझे लगा बस ये जोड़ने वाला काम है, क्योंकि मेरे पास जोड़ने वाले लोग आया करते थे और मैं उन जोड़ने वालों को यह समझता था कि ये ऐसे ही जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनका जिनका मैंने जिनके पास कुछ नहीं है वो ये सब काम करते हैं। बस मैंने कहा कि अगर तुमको जोड़ने की बात करनी है तो ये अपनी चाय की पत्ती ले जाओ, मुझे नहीं लेना है जोड़ने होने की बात, ये तुम पागल हो, मैं जोड़ने वाला काम करूंगा। तो वो डर गया बेचारा, वो नहीं नहीं कोई बात नहीं है, वो चाय की पत्ती दे गए। फिर वो अपने अपलाइनों को लेके आए, वो काफी समझाते रहे, मुझे कुछ भी समझ में समझने नहीं चाह रहा था। वो कहानी बड़ी है, पौन घंटा तक एक बहुत सीनियर, बहुत जिनका मैं बहुत सम्मान करता था, मुझे समझाते रहे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। अंत में दूसरे तीसरे दिन वो आके मेरे से एजेंसी की बात किए, पीयूसी, उस समय पीयूसी की बात किए होंगे, पर मुझे पीयूसी उस समय मैं क्या जानू पीयूसी क्या होता है, मुझे एजेंसी समझ में आ गई, क्योंकि मैं कुछ इस तरह की एजेंसी ढूंढ ही रहा था। प्रोडक्ट मुझे अच्छे पसंद आ गए थे, चाय की पत्ती होटल में चलती थी, कर्मचारियों को मैं साबुन दिया करता, मैं स्वयं कुछ नहीं उपयोग करता था, हमने साबुन में मैंने लगाया RCM ज्वाइन होने के पहले, समझने के पहले, ना मैंने चाय की पत्ती घर में उपयोग की, होटल में हमारा उपयोग होता। तो वो उन्होंने एजेंसी बताने का प्रयास किया और वो एजेंसी मुझे समझ में आ गई। हमने कहा ठीक है, अगर आप इसकी एजेंसी दिलवा दीजिए तो मैं ले लूंगा। उन्होंने कहा इसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, तो हमने कहा ठीक है एजेंसी के लिए हम भर देंगे। तो भैया मैं ज्वाइन हो गया, अब वो पिकअप सेंटर खुल गया, 10,000 उस समय भी जमा होते थे, 10,000 जमा हुआ, पीयूसी खुल गया। अब पीयूसी में ये लोग लोगों को बताने लगे रॉयल्टी इनकम आती है, रॉयल्टी इनकम आती है। अब मुझे लगे रॉयल्टी इनकम कैसे आती है, मैं भी बस वहां, मैं पीयूसी में भी नहीं बैठता था, वहां भी कोई दूसरा व्यक्ति ही बैठता था। उसी समय सतीश पंडित जी का प्रोग्राम छत्तीसगढ़ में हुआ था, मुझे बताया गया एक बहुत अच्छा प्रोग्राम छत्तीसगढ़ में हो रहा है, आप उस प्रोग्राम में जाइए, हम लोग चलते हैं। लोग गए थे, हमने कहा यार हम दिमाग खराब है, छत्तीसगढ़ हम कोई RCM का प्रोग्राम सुनने जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य था वो हमारा, मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। अंत में वही सतीश पंडित मेरे गुरु बने, मैं आज इतना आज यहाँ पहुंचा हूँ तो उनकी ऑडियो CD सुन के ही पहुंचा हूँ। तो कुल मिला के इसी तरह से वो चलता रहा चलता रहा, फिर सतीश पंडित जी का स्वर्गवास हो गया। 2000 अप्रैल 2007 की बात है, माउंट आबू में एक प्रोग्राम हुआ था RCM का, जिसमें पता चला कि मैडम सतीश पंडित जी की श्रीमती जी जो डिप्टी कलेक्टर थी उस समय, पता चला कि वो आएंगी, तो मैं उनको सुनने के लिए वहाँ गया था। और भैया उनकी कहानी सुनने के बाद मुझे रात और दिन बराबर दिखता था,
और इसके बाद मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर एक बहुत छोटी सी बात बताऊं, उस समय कीटों का कारोबार हुआ करता था। मैं बिजुरी, ये चिरमिरीवा चिरमिरी ट्रेन चलती है, बिजुरी एक स्टेशन है, और बिजुरी से मुझे अमलाई आना था। अमलाई बुढ़ार के पास एक अमलाई जगह है, तो अमलाई में पीयूसी नहीं हुआ करता था उस समय। बुढ़ार हमें हमें लगा कि यहाँ से हम किट लेके चलते हैं, तो किट कुछ इतना वजन था किट में कि एक आदमी उठाए तो फिर रिक्शे में रखवाया जा सकता था। एक आदमी उठवा के रिक्शे में रखवा दिया, रिक्शा वाला वो स्टेशन तक पहुंचा दिया। हमने सोचा कि कोई कुली वगैरह होगा तो रखवा लेंगे। ट्रेन जिस प्लेटफार्म में आती थी, एक नंबर में हमेशा आया करती थी, लेकिन उस दिन का संयोग ऐसा रहा कि वो प्लेटफार्म एक नंबर में नहीं आई। जैसे ही 5 मिनट पहले वो अनाउंस हुआ कि 2 नंबर में आएगी। अब वहां कोई कुली देखा तो कुली नहीं दिखा। बाहर से हम गए, रिक्शे वाले को बुला के लाए, यार मेरी वो बैग है बहुत सारा, एक बहुत बोरा में किट पैक थी, 1500 वाली किटें पैक थी। वो एक आदमी से नहीं उठती थी उस समय। मैं ब्रीफ केस और बैग, बस सनक सावार हो गई थी कि इसमें राइटिंग कम आती है, क्योंकि मैडम सतीश पंडित को हम सुन चुके थे। सनक सवार हो गई थी, तो कुछ दिखाई नहीं देता था। रातों दिन हम एक किए थे, जैसा कि अभी डॉक्टर अरुण शुक्ला जी बता रहे थे। फिर क्या होता है कि वो रिक्शा वाला आया, और उसको हमने उस जमाने में हम 20 रुपए उसको देने का प्रयास किए कि भैया इसको उस पार पहुंचा दे। बोले उठा दीजिए। हम उसको उठा के उसके सर पे रखे, इतना वजन था कि उसने कहा बाबूजी सीढ़ी पे चढ़ के उस पार हम नहीं ले जा पाएंगे इसको, अब क्या करें। बस ट्रेन सामने दिखने लगी थी, हमने उससे कहा कि तू मेरे सर पे रख दे, विश्वास करिए आप, हमारे बच्चे कभी सब्जी लेने नहीं गए, मैंने कभी, हमेशा नौकरों के बीच में रहे। तो मैं ब्रीफ केस और वो इतना भारी, और मैं सीढ़ी चढ़ के एक कांधे पे बैग ब्रीफ केस हाथ में, मैं पहले भी लैपटॉप में ब्रीफ केस रखा करता था, उस पार ले गया। और जैसे ही मैं बीच में पहुंचा तो ट्रेन आ चुकी थी, और मेरे उतरते उतरते ट्रेन मूव कर दी। अब क्या करें, मैं जस्ट ट्रेन चल चुकी थी, मैं नीचे उतरा और बैग और उसको फेंक के उसको एक खिड़की में आवाज दे के उसको हमने उस बोरे को, और लगभग 7-8 डिब्बे बाद मैं ब्रीफ केस और दौड़ के, मेरे अंदर मुझे लगता है कि मैं अंदर से मैं बहुत मजबूत था उस समय भी, हमेशा अभी भी मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। तो फिर किस तरह से हुआ, कुल मिला के उस दिन मुझे लगा यार अब आसियन नहीं करना है, इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन बहुत लोगों को हम ज्वाइन करा चुके थे, और मुझे लगा कि नहीं अब अपने लिए नहीं करना, लोगों के लिए करना है, क्योंकि लोगों को हमने सपने दिखाए थे। कुल मिला के और भी छोटी छोटी इस तरह की बहुत सारी बातें रही, क्योंकि समय की सुई लगातार बढ़ रही है। मैं केवल बताना चाहता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण आप बात सबको बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर भगवती त्रिपाठी जो जो हमारे गुरु जी हैं, मैंने उनकी जब ज्वाइनिंग कराई और उनको बात समझ में आ गई, जैसा कि अरुण शुक्ला जी बता चुके हैं कि रीवा के जो ठीक ठाक लोग थे, यहाँ तक कि उस समय के श्रीनिवास तिवारी विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी भी ज्वाइनिंग मैंने कराई, और हमारी मीटिंगों में आके उन्होंने आरसीएम की बात बोली थी। उस जमाने में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी साहब, बहुत बड़ी बात होती थी। तो मुझे लगता था कि किसी को भी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं इतने दावे से अपनी बात रखता था कि कोई भी व्यक्ति मेरी बात सुनने को तैयार हुआ करता था। आज भी मैं जो जिस व्यक्ति तरह का व्यक्ति है, मैं उस तरह का बताने का प्रयास करता हूँ, और रिजल्ट आता है। 2016 से मैं पूरे तरीके से इसमें इन्वॉल्व हूँ, जब से भारत सरकार की गाइडलाइन बनी, क्रेशर और जो भी मेरे कारोबार है वो उसको उनको किनारे करके दुकानों को मैंने किराए से दिया। और आप जो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर भगवती त्रिपाठी जी जब काम करना शुरू किए, तो मैंने केवल एक एक टीम में हमने देखना शुरू किया। अब विश्वास करिए, आर के चौधरी साहब टेक्निकल अचीवर थे, मैं इनको नहीं पहचानता था। अजय कदम को हमने हम मैंने ये रॉयल्टी अचीवर थे, मैंने इनको पहचानते नहीं था। आरपी सिंह साहब एसडीओ पीडब्ल्यूडी के मेरी टीम में है, मैं इनको पहचानते नहीं था। डॉक्टर भगवती जी के स्वर्गवास के पहले मैं अपने दूसरे ग्रुप के टेक्निकल अचीवर को नहीं जानता था, और ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। आप सब जो मुझे भी सुन पा रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप कभी भी, आपको ऐसा समय आ सकता है कि आपको पूरे टीम को देखना पड़ सकता है, जैसे आज मुझे पूरे टीम को देखना पड़ रहा है। इस तरह की गलती कभी ना करें, मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी भूल थी कि मुझे लगा कि मैं, मेरी पिन स्टार एमराल्ड की थी, डॉक्टर साहब की भी थी, हमसे बहुत ज्यादा सक्षम थे। अगर आज गुरुदेव होते तो मैं कम से कम रूबी पिन पे होता,
कम से कम रूबी होती, क्योंकि इतनी क्षमता थी उनके पास। पर उनके जाने के बाद उनके बच्चों को का जो जो क्षति पहुंची उससे मुझे नहीं लगता कि उनसे कम क्षति मुझे पहुंची है, वो मेरी अंतरात्मा जानती है। धन्य है जहां भी वो हों, मेरे वो गुरु थे। बहुत बड़ी कहानी है वो, मेरी कहानी थोड़ी सी लंबी है क्योंकि मुझे लगता है कि 20 मिनट का ही समय रहता है। उस जमाने में गुरु जी डॉक्टर भगवती त्रिपाठी जी, मैं उनके जाने के बाद अजय कदम, हरिओम कदम, रूपेश कदम को पहचाना, आरपी सिंह साहब और आरके चौधरी साहब को उनके जाने के बाद पहचाना। मैं पहचानता नहीं था साहब, मैं बनारस नरेंद्र राय वगैरह, आरके तिवारी, पीके तिवारी, जिनकी दो दो हॉस्पिटल चलते हैं बनारस में, इतना बड़ा बनारस शहर है, बहुत बड़े बड़े दो दो हॉस्पिटल हैं, मैं उनको नहीं पहचानता था। मैं केवल अपने बीकर के लोगों को देखता था। आज मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी वो भूल थी। अब मैं पहचान बनाता हूं कि मैं भी भैया आपकी अपलाइन हूं, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। तो कृपया आप सबसे निवेदन है कि आप जब भी ज्वाइन करें, आप अपने दोनों ग्रुपों को, भले आपकी अपलाइन कर रही हो, लेकिन कृपया आप दोनों ग्रुपों को जरूर देखें। बीच में बहुत सारा सहयोग लोगों का रहा, एस एन पांडे जी जो काम धनु के मालिक हैं, डॉक्टर अरुण शुक्ला जी का बड़ा सपोर्ट रहा, एस एन दुबे साहब जो रेलवे में आज के डेट में बहुत बड़ी पिन है, वो रेलवे बोर्ड में जाने वाले हैं, सुंदर लाल मिश्रा जी, बीरेन्द्र तिवारी जी, के जी श्रीवास्तव, बीरेंद्र दुबे, ए एन सिंह जी, ए एन पांडे, डॉक्टर के गौतम जी का फिर अभी बहुत अच्छा हमारा सपोर्ट मिला, आप सबको पता है, श्रवण तिवारी जी, एस पी सिंह साहब, रेंजर साहब कभी, रेणु पाठक, मृगेंद्र गौतम, और इस बीच में डॉक्टर विजय अग्रवाल जी का आना तो वरदान साबित हो गया। डॉक्टर विजय अग्रवाल जी के बारे में आप नेट में सर्च करिए कि डॉक्टर विजय अग्रवाल जी कौन है। मतलब कुल मिला के हमारे पास ईश्वर जी की बड़ी कृपा रही। बीसी छाबड़ा जी का आशीर्वाद लगातार मुझे मिलता है। बीसी छाबड़ा जी जब बड़े स्टेज में मेरा नाम लेते तो मुझे लगता है कि किसी देश का प्रधानमंत्री, भारत देश का प्रधानमंत्री किसी गांव के सरपंच का नाम ले रहा, मुझे ऐसा महसूस होता है। मैं सम्मान के लिए इसमें आता रहा क्योंकि कहानी बहुत बड़ी है, 20 मिनट हो चुके हैं। केसी छाबड़ा जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद। जेके जैन साहब बहुत सौम्य, बहुत सहज अपलाइन मुझे मिले, मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ। डीएस नरवरिया जी जितने सहज, और मैं तो मुझे लगता कि अब सबको डीएस नरवरिया जी जैसी अपलाइन मिले, मैं बहुत खुश रहता हूँ। बीएम गुप्ता जी का बहुत स्नेह मिलता है। रवि शाह जी बहुत अच्छे हमारे साथी हैं। एसपी सिंह साहब जिनको एसपी भोपाल कहते हैं, अच्छा सपोर्ट रहता है। मानिक जी जो पीके सिंह जी के दूसरे तरफ है, उनका बहुत अच्छा सहयोग हमारे बीच में रहता है। बीके मिश्रा जी बहुत सौम्य है। कमलेश्वर राय जी की कहानी आप सबको पता है। तो कुल मिला के कहानी मेरी बड़ी है। मैंने बीच बीच में, कहते हैं ना कि पंडित जी बोले कथा सुनाओ भैया, कौन सी, बोले तीन प्रकार की, बोले सांप सरकन मिर्गा चौंकन नन्नी डोब। सांप सरकन मतलब कुछ यहाँ का कुछ वहां का, सांप मिर्गा चौंकन, मिर्गा मतलब कुछ यहाँ कुछ वहां कुछ वहां, नन्नी डोब मतलब एक एक बातें। मेरी कहानी घंटों की है क्योंकि सफर बहुत लंबा था। तो बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी सर, सबने आपने बहुत अच्छी कहानी सुनाई। एक चीज छूट रहा है, अभी तक का टोटल पहला इनकम क्या था आपका और टोटल इनकम क्या है? तीन महीने बाद मेरे पास 509 रुपए आए थे और टोटल इनकम की तो मैंने गणना नहीं की है, लेकिन 3 करोड़ तो मान के चले कि लगभग मेरे परिवार में 3 करोड़ आ चुके होंगे। और बहुत सारी गल्तियां की थी, मेरे घर में 4 पीने हैं, मुझे लगता था मैं बहुत ताकत वाला हूँ, अब सबकी पीने खत्म करके एक ही कर दिया हूँ। क्या है कि लोग गलती बहुत करते हैं, मैंने जीवन में गलती बहुत की है क्योंकि मेरे अंदर ताकत बहुत थी। जिसके पास जितनी ताकत होती है वही व्यक्ति उतना ज्यादा गलती करता है। चले तो बहुत अच्छी आपने कहानी सुनाई, अपने गलतियां भी बताई, और इंसान वही है जो अपने गलतियों से सीख लेता है, क्योंकि जो अपनी गलती मान लेता है वो इंसान नहीं भगवान हो जाता है, गलती लोग नहीं मानते। और ये रही अरविंद द्विवेदी जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी।